जिंदगी के उतार चढ़ाव के अनोखे रंग और उनसे जुड़े उतने ही मुद्दे, चाहे वो हो शिक्षा, भ्रष्टाचार, स्वास्थ्य, राजनीति, अपराध, महिला सुरक्षा, भ्रूण हत्या, किसान और कृषि, पर्यावरण, खेल और ना जाने कितने मुद्दे। इन सभी और अनेकों मुद्दों पर हम करेंगे परिचर्चा SUN न्यूज के खास कार्यक्रम इशू टुनाइट में। इशू टुनाइट एट 9 ऑन सैटरडेज एंड संडेज ओनली ऑन SUN न्यूज। गुड इवनिंग व्यूअर्स एंड वेलकम वंस अगेन टू इशू टुनाइट। वी विल स्टार्ट अ डिबेट अगेन टुडे वेयर वी लेफ्ट इट टुमारो, क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स इन इंडिया पार्ट टू। और मैं बात करना चाहूंगा आज जो वधवा साहब, जैसे आप कल जिक्र कर रहे थे कि वोरा कमेटी रिपोर्ट कहती है कि पॉलिटिक्स एंड एथिक्स आर द टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन। यही सवाल मैं मल्होत्रा साहब आपसे पूछना चाहूंगा कि कहां तक आप इस विचार से सहमत हैं। मैं ये कहना चाहता हूं सबसे पहले कि स्टार विजन ने जो ये कार्यक्रम दिया है राजनीतिक प्राधिकरण का, इसको और बड़ा करा जाए, ये क्योंकि छोटा है, एक लिमिट एरिया में ही रह गया है। आज हिंदुस्तान के 60% नौजवान लोग हैं जो चाहते हैं कि अपराधीकरण खत्म हो, वो अपराधीकरण खत्म हो, इस देश से जाना चाहिए। और इसमें हमारा जो जी एसवी कुरैशी जी हैं, जी उन्होंने चाहा था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को लिख के दिया था कि अपराधीकरण और कुछ हमारे नियम चेंज होने चाहिए, आप इस रेजुलेशन को लाओ, जो कि आज कांग्रेस पार्टी सबसे बड़ी पार्टी है, सत्ता में है, उन्होंने वो रेजुलेशन दबा के रख लिया है। वो नहीं चाहते कि अपराधीकरण खत्म हो। हमारी पार्टी हरियाणा जनित पार्टी अगर हरियाणा में या कहीं भी आएगी, जो भी होगा, हम सिस्टम चेंज करना चाहते हैं। चौधरी कुलदीप बिश्नोई जी चाहते हैं अपराधीकरण खत्म हो, ऐसे लोगों को आगाह लाया जाए जो लोगों की समस्याओं को, जिनकी बात आप कर रहे हैं, लाल बहादुर शास्त्री या और अन्य नेता, ऐसे लोग पैदा हो इस देश में। लेकिन जितनी भी राष्ट्रीय पार्टी है, अगर कांग्रेस पार्टी इस स्टेप को आगे बढ़ाएगी तो मैं नहीं समझता कि वो उनका सहयोग न देगी। तो पार्लियामेंट में आने के बाद मैं जहां तक आपके हजका की पार्टी की बात है, क्योंकि बिश्नोई जी अभी मतलब एज फार एज द हिस्ट्री ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज, एजेस ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज, इज अ वेरी न्यू इन दिस फील्ड। तो लेकिन अगर मैं बात भजन लाल जी की करूँ, उनके फादर साहब की, तो कहीं ना कहीं उन पे भी एक इल्ज़ाम था कि आया राम गया राम की पॉलिसी को स्टार्ट करने वाला, MPs को इधर से उधर करने वाला, मतलब एक मतलब करप्शन के जनदाता भी कई सोर्सेस से मैंने सुना है, उनको ये नाम भी दिया गया। आपकी बात बिल्कुल ठीक है, तक सच्चाई है, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। डू यू ऑन अप टू दिस? आया राम गया राम की राजनीति संजय गांधी ने स्टार्ट करवाई थी भजन लाल जी से। जी, तो भजन लाल में दम नहीं था? नहीं, भजन लाल जी में दम नहीं था, संजय गांधी जी ने स्टार्ट करवाई। सी आई कॉट यू ऑन दिस वन। गांधी जी ने उनसे स्टार्ट करवाई तो उन्होंने कहा ठीक है सर आप कहते हैं तो मैं स्टार्ट कर देता हूं। नहीं नहीं सर, एक बात मुझे आप बताइए, आया राम गया राम का मतलब आज प्रदीप जैन जी की पार्टी में कोई मेंबर हैं, कल उनको सहूलियत लगी तो कांग्रेस चले गए, क्या MPs ऐसे ही चले जाते हैं? नहीं नहीं नहीं, मेरी इस बात का आप जवाब दीजिए कि एक दल से दूसरे दल में जब MPs ओवरनाइट शिफ्ट करते हैं तो वॉलंटरिली शिफ्ट करते हैं। You know, I know, I think the complete panel know and the people of the country know कि until and unless किसी को आप कोई लालच दोगे, चाहे वो किसी भी रूप में हो, वो पार्टी एकदम से नहीं बदलेगा। ठीक बात है। तो ये कोई मेरा ये मानना है, अगर आप कहते हैं भजन लाल जी ने संजय गांधी जी के कहने पर ये करा तो इट इज अ शेम इन इटसेल्फ। नहीं, बात आपकी ठीक है, हम मानते हैं वहां गलती हुई, लेकिन कुलदीप जी इनको सुधारना चाहते हैं, नियमों में चेंज करना चाहते हैं। आपको पता है कि वो सुप्रीम कोर्ट तक अब इस आया राम गया राम की राजनीति के खिलाफ लड़ना चाहते हैं, वहां भी कांग्रेस पार्टी स्टे करवाए हुए है, उसको रिजल्ट जल्दी नहीं आने दे रही। हम इस लड़ाई को आगे ले जाना चाहते हैं, एक नियम ऐसा बने कांग्रेस पार्टी सत्ता में आज, वो ले कि आया राम गया राम खत्म हो जाए। मैं हम उसके साथ है। उसके अलावा JMM स्कैंडल था सर, उसमें भी भजन लाल जी का नाम इन्वॉल्व था। ठीक है, अब वो कहते हैं कि भाई क्योंकि सबूतों के आभास में और उनको एक बेनिफिट ऑफ डाउट दिया गया, उसमें उनको फ्री किया गया, लेकिन डाउट तो था ना सर, उसका बेनिफिट मिला सर, सो मेनी केसेस। लेकिन मेरा मतलब उनका आया एक नाम उछला, एक छवि इंसान की। और अगर मैं बात करता हूँ नरसिम्हा राव जी की, जो प्राइम मिनिस्टर देश के रह चुके हैं, और उनकी तो मैं बात ही नहीं करता, सिब्बू सोरेन साहब की जिनकी पार्टी को लेकर ये सब हुआ, उनके ऊपर खुद केसेस थे एंड ही वाज द चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट। और नरसिम्हा राव साहब की मैं बात करूं, उनको तो कन्विक्ट किया बल्कि कोर्ट्स ने,
सो आई मीन दिस इज द रियली आई मीन ट्रेजिक पार्ट ऑफ दिस कंट्री। जैन साहब मैं आपके पास आना चाहूंगा कि क्या आपको लगता है कि सुधार कितनी गुंजाइश है सुधारों की और किस तरह वो सुधार लेकर के आ सकते हैं। ये ना कहें कि ओनस कांग्रेस पे है क्योंकि ये पार्टी पे रहे, हम सब मानते हैं मैक्सिमम आजादी के बाद कांग्रेस पावर में रही है तो वी कैन ऑब्वियसली ब्लेम देम फॉर लॉट्स ऑफ रॉन्ग्स एंड लॉट्स ऑफ गुड्स ऑल्सो, लेकिन आप एक सबसे बड़े दूसरे सेकंड पार्टी इंडिया में होने के नाते पे क्या आपकी पार्टी सोचती है जो मतलब ऐसी चीजें की जाएं जो पहले पहल की जाएं बिना किसी की वेट के जिससे देश की यथास्थिति और सुधरे। मैं इसमें कहना चाहता हूं कि स्थिति सुधरे जी इसके लिए अगर सांझे रूप से पहल हो जाए तो बहुत अच्छा है, जो आप भी नहीं हो पाती मुश्किल है, नहीं हो पाती है तो किसी न किसी दल को अपने राजनीतिक हितों की भी तिलांजलि देकर के आगे आना पड़े तो देश की पीढ़ी के लिए, देश की भावी पीढ़ी के लिए बेहतर होगा। एंड आई होप योर हाई कमांड लिसन्स टू यू। दूसरा, मैं जैसे अभी प्रोफेसर अरोड़ा कह रहे थे जी, जो एनएन वोहरा कमेटी का सार है जी कि राजनीतिक दल टिकट देने के समय ही इसके बारे में निर्णय करे। बिल्कुल, मैं इससे भी एक कदम और पीछे आना चाहूंगा जी। इस चर्चा में कोई फायदा नहीं है कि भाई कितने चुने गए, उनका प्रतिशत कितना था, उनको मंत्री बनाया गया, कौन कैसा था कौन कैसा, जब उनको टिकट दिया गया, वो जब जीत करके आ गए तो मुख्यमंत्री उन्हीं में से बनाएगा, प्रधानमंत्री उन्हीं चुने हुए प्रतिनिधियों में से ही बनाएगा जी। अगर हमें इसको जड़ जड़ से ही इस पर रोक लगानी है तो टिकटों के वितरण, और टिकटों के वितरण से पहले पार्टी को अपने अपने कैडर के अंदर झांकना होगा, सोल सर्चिंग, अपने कैडर के अंदर झांकना कैडर एंड फर्स्ट दे हैव टू सर्च द दुर्भाग्य ये है देश का। मैं उसमें बीजेपी को भी शामिल कर रहा हूं जी, ये दुर्भाग्य है देश का, देश की राजनीतिक व्यवस्था का दुर्भाग्य है जी सर। और मैं मानता हूं कि अगर राजनीतिक व्यवस्था टूटती है, बिखरती है, तो देश अराजकता की ओर जाएगा जी। लोकतांत्रिक व्यवस्था में कहीं भी चोट पहुंचती है तो देश के राजनीतिक स्वास्थ्य को भी चोट पहुंचती है, लेकिन मैं मानता हूं कि बीजेपी भी उसमें शामिल है, मैं उसको उससे अलग नहीं कर रहा हूं जी। आप मुझे इसको किसी भी नजरिए से आप देखिए कि राजनीतिक दलों में कैडर बिल्डिंग का काम कम होते होते खत्म होता जा रहा है जी। राजनीतिक दलों में कैडर की बिल्डिंग के साथ उनके वैचारिक दृष्टिकोण को बढ़ाने का, उनको बचाने का, उनका विकास करने का और उनका विस्तार करने का जो क्रम पहले कभी चला करता था या पहले हम कभी सुना करते थे, वह आज लगभग सभी राजनीतिक दलों में खत्म होता जा रहा है। राजनीतिक दल और लोकतंत्र, उसका एक अकेला मकसद रह गया है, चुनाव जो 5 साल के बाद आएगा, और उसमें चुनाव में विजय प्राप्त करना और सरकार बनाना। इसके कारण से इसी तरह के और इससे जुड़े हुए अनेकों अनेक तरह के दोष उसमें से पैदा होते जा रहे हैं। उसी कारण से पैसे की ताकत भी, अपराधियों की ताकत भी, अनैतिक तत्वों का जमावड़ा भी राजनीतिक दलों के अंदर बढ़ता जा रहा है। मेरी पार्टी में कम होंगे, दूसरी में ज्यादा होंगे, तीसरी में और कम होंगे, किसी में ज्यादा होंगे, ये आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता रहेगा और इसमें सुधार कुछ नहीं होगा। राज जी, जैसा आपने कहा कि पैसा एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, जो इलेक्शंस के टाइम पैसा खर्चा जाता है और जो एक्चुअली पैसा डिक्लेयर किया जाता है, खर्चा किया होता, उससे कई गुना ज्यादा है, तो कहीं ना कहीं मानना यह है कि मतलब ब्लैक मनी की एक्सेप्टेबिलिटी हमारी सोसाइटी में, कंट्री में, कहीं ना कहीं यहीं से शुरू होती है। इसमें मेरा ये कहना है कि जो आपने ये कहा कि लाल बहादुर शास्त्री जी आए, रिजाइन कर दिया, मोरल जी को माना, एथिक्स को माना जी, आज जब सबसे बड़ी बात सत्ता प्राप्ति की हो जाए तो मोरल और एथिक्स की बात खत्म होगी, खत्म होगी। उस जमाने में लोग देश सेवा की बात सोचते थे, सोसाइटी की सेवा की बात सोचते थे, आज सत्ता प्राप्त करके ये बिजनेस बना लिया है, सिंगल एजेंडा रह गया है किस तरह से ज्यादा संपत्ति और धन को अर्जित किया जाए, क्योंकि बिना पॉलिटिक्स की नेक्सस के आप पैसा नहीं कमा सकते। ये इस तो इसके अंदर सबसे पहला तो मेरा एक सुझाव ये है कि इलेक्शन कमीशन को एक बात करनी चाहिए जी, कि जो कोई आदमी ओवरनाइट पार्टी को बदलता है चुनाव के समय में जी, क्योंकि उस वक्त टिकटें कुछ पार्टियां बेचती भी हैं, पैसा भी चाहिए, फंडिंग भी चाहिए, तो कम से कम 5 साल वो आदमी उस पार्टी में काम करे, उसके बाद उसकी टिकट का विचार होना चाहिए। आज एक आदमी कांग्रेस में है, कल वो बीजेपी में चला जाए, या आज बीजेपी में है कल कांग्रेस में चला जाए, तो निश्चित तौर से वो कहीं ना कहीं ब्लैक मनी का लेन देन है। एक तो ऐसे आदमी को टिकट नहीं देनी चाहिए। दूसरा मेरा मानना यह है कि इसमें पहल पॉलिटिकल पार्टी करेंगी, ये मेरे को नहीं लगता।
मीडिया अगर आगे आए, लोगों को इस बात को एजुकेट करे कि तुम्हें अपराधियों को, तुम्हें अपराधियों को, अपराधियों को, अपराधियों को, मैं आपको बीच में रोकना चाहूंगा, टू पास द बक ऑन टू समबडी एल्सेस लैप इज द इजीएस्ट थिंग टू डू टुडे। टुडे मीडिया मीडिया इज प्लेइंग ए वाइटल रोल। इफ रामदेव इज इन द पावर, इफ अन्ना हजारे इन द पावर, दैट ऑल गेम वाज प्लेड बाय द मीडिया। आई थिंक मीडिया इज ऑलरेडी प्लेइंग इट्स पार्ट। लुक एट द नंबर ऑफ स्कैम्स कमिंग आउट इन द ओपन टुडे। अगर आज मीडिया अपना वो रोल प्ले ना करता, स्कैम की बात ना, तो कन्विक्शंस होते ना, ये स्कैम लाइट में आते। स्कैम की बात तो क्या है कि 24 घंटे चलाने के लिए मसाला चाहिए। अगर आप इस तरह का एक प्रोग्राम शुरू करें कि वोट की कीमत क्या है, आप लोगों को अपराधियों को टिकट नहीं देनी, आप वोट नहीं देनी, आप लोगों को गैर ईमानदार लोगों को टिकट नहीं देनी, बेईमानों को वोट नहीं देना, सर द मीडिया ऑन्स अप टू इट एंड वी विल पर्सनली इवन ट्राई टू डू दिस प्रोग्राम्स आल्सो। लेकिन मेरा सिर्फ ये कहना है, कहना है राज शर्मा जी, तौर से कह सकता हूं कि कोई भी आदमी अपराधियों को टिकट नहीं देगा, क्योंकि लोगों में जागृति आ चुकी है। अगर पॉलिटिकल पार्टी सुधार अपने घर से शुरू करें, तो मैंने बताया मायावती जी ने सुधार शुरू कर दिया, जैसे जैन साहब ने कहा कैडर ही ना बनाए, ऐसे लोगों को हुआ तो समस्या भी खत्म को निकाला, जो भ्रष्ट लोग थे, बेईमान लोग थे, अपराधी थे, उन सबको निकाला, शुरुआत वहां से हो चुकी। तो इस वक्त सवाल यह है कि पॉलिटिकल पार्टी भी मीडिया के साथ मिलकर लोगों को एजुकेट करें कि अपराधियों को और गैर जो बेईमान लोग हैं उनको वोट ना दें। जब ऐसी स्थिति पैदा हो जाएगी तो निश्चित तौर से कोई पॉलिटिकल पार्टी अपराधियों को या बेईमान लोगों को टिकट नहीं देगी। प्रोफेसर अरोड़ा, मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि बेसिकली जो हालात ये बद से बदतर हुई है, आजादी के बाद एकदम ये चीजें नहीं थी, मतलब आई थिंक वी आर एट द वर्स्ट पॉसिबल स्टेज राइट नाउ, क्या कारण आपको लगते हैं कि क्यों पॉलिटिकल पार्टीज मतलब एक सत्ता की भूख के पीछे अंधी होके भागती हैं? सिर्फ सत्ता की भूख की बात नहीं है जी, बात ये है कि वो जो स्थिति थी जिसकी आप बात कर रहे हैं जी, आज ये कहा जाता है कि पॉलिटिक्स इज द गेम ऑफ स्काउंडरल्स जी, मैं कहूँ दिस वॉज नॉट द केस, दिस हैज नॉट बीन द केस, बीन द केस ऑलवेज बिफोर इंडिपेंडेंस, स्वतंत्रता से पहले आप देखिए जी, जी, क्या राजनीति थी, किस प्रकार के लोग आगे आते थे जिनमें मादा था कष्ट सहन करने का, जेल जाने का, ठीक है, बलिदान देने का, और उनको हाँ, वो जज्बा आज मतलब पॉलिटिकल पार्टीज में कहीं ना कहीं मिसिंग है, और बदले में उनको क्या मिलता था, रिस्पेक्टेबिलिटी मिलती थी, रिस्पेक्टेबिलिटी मिलती थी, बिल्कुल ये वो स्थिति थी। लेकिन स्वतंत्रता के पश्चात क्या हुआ कि जैसे स्थिति बदली, ये हमारा जो इलेक्टोरल सिस्टम आया जी, इसमें आप देखिए कि जो जिसको हम कहते हैं गूंस, इलाके का गुंडा, ये कॉमन बात है, देखने को मिलती है आपको। तो सबसे पहले जो अट्रैक्ट हुआ इस इलेक्टोरल सिस्टम की तरफ वो हुआ क्यों हुआ वो, क्योंकि उसको प्रोटेक्शन चाहिए थी जी, और प्रोटेक्शन कहां से मिलेगी, राजनीतिक जो पॉलिटिशियंस है उनसे मिलेगी, और पॉलिटिशियंस को क्या जरूरत थी, उनकी सहायता की, क्योंकि जब चुनाव जीतना है तो चुनाव में क्या होगा, बूथ कैप्चरिंग होगी, इंटिमिडेट किया जाएगा उनको, तो उनकी सहायता लेंगे। तो ऐसी अवस्था में ये नेक्सस बना, जब ये नेक्सस बना तो वो जो प्रवृत्ति है पहले वाली जो बात है, जो वो जज्बा वो समाप्त हो गया। उसके बाद फिर पॉलिटिशियंस ने, ये क्रिमिनल ने क्या सोचा, बेवकूफ है जो इनके लिए काम करते हैं, बिल्कुल, और उन्होंने फिर खुद डायरेक्ट रूप से राजनीति में प्रवेश करना शुरू कर दिया। यहां पर भी आकर नहीं रुके वो, फिर उन्होंने क्या किया, अपना माफिया जो है वो बनाना शुरू कर दिया, अपना वोट बैंक बनाना शुरू कर दिया, और जब ये स्थिति आ गई तो वो मादा और बेमादा तो बदल गया। जहां तक आप सुधार की बात कर रहे हैं, दो तीन बातें यहां पर उठाई गई हैं। एक तो मैं ब्रीफ में कहना चाहूंगा, जैसे जैन साहब ने बात कही कि हर एक पार्टी को अपना कैडर का ध्यान, उसमें एक बात ऐड करना चाहूंगा कि हर एक राजनीतिक दल को क्या है, अपने अंदर पहले डेमोक्रेटिक सेटअप जो है वो स्थापित करना, फिर बाद में बात करनी चाहिए प्रत्येक।